परी, तुम्हारे लंदन जाने से पहले तुम्हें मतलब तुम्हारे दोस्त को असली फीलिंग्स का पता चल जाएगा, ठीक है? अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो मुझे दीदा की बात याद आ गई। दीदा हमेशा कहती क्या कि हमें लाइफ में हमेशा वही मिलता है जो हमने सोचा नहीं होता, और जो हम सोचते वैसा होता नहीं है। इसलिए अच्छा ओके अपने दिमाग में ना ज्यादा प्रेशर मत डालो, मुझे बस थोड़ी सी और झालमुरी खिला दो, ठीक है? इतना तो खा रही हो, और कितना खाओगी? खाएगा, आधे से ज्यादा तो तुम मारने में वेस्ट हो गया। झगड़ा कर रहे हैं। अरे ये होलोटा की है, कौन हो तुम लोग? हमारा बाड़ी में ऐसे कैसे घुस गया? काकी आपकी बाड़ी में एक पागल घुसाया है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा गलत फहमी होता है, ये पागल तो बरस से ही यहाँ पे रहते हैं। ए वंदालन, क्या बकवास कर रही है तू? अरे ये मजाक की बात नहीं है काकी, वो पागल सच में बहुत खतरनाक है, बाहर ही अभी किसी को घायल कर आया है। तो यहाँ पे खड़ा क्यों हो? चलो घर घर देखो, चलो चलो चलो। रुक रुक रुक, किधर किधर? अरे थारी बेटी घुस गई है हमारे घर में, इसका मतलब ये नहीं है जब चाहे अपना मुंह उठा के हमारे घर में आ जाए। दादी माँ लाडू के पीछे। कौन ना? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी क्या तुम्हारी मतलब तुम्हारे दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? ना दीदा, रागिनी ठीक तो है ना? आपने माँ पापा को बोला? मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ रागिनी को? तुम चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। लक्ष्य को किसी छोरी से प्यार हो गया है, इसलिए वहां को लंदन नहीं जाना। अभी वो सौरा के साथ उसके मोहल्ले में गया है,
मैं वहां के पीछे जाती हूँ, ठीक है? बाद में फोन करती हूँ आपको। रखती हूँ जी। रागिनी, सब दूर जा, सब दूर जा। हे मारा काकी श्याम जी, अरे मारी पोती की रक्षा करना। चुप हो जाओ। आपको लग जाएगी आप ना ही हमें दे दीजिए ना ये। आप दे दीजिए हमें। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे बचा लो इससे। बहुत मारते हैं मुझे ये लोग, मुझे बहुत मारते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, भूख लगी है मुझे, मुझे भूख लगी है। कुछ नहीं करेंगे। आप डरिए मत। क्या हुआ अबू? हम ना अभी इन सबको ना वापस भेज देते, ठीक है? काका आप सब वापस चले जाइए, हम इन्हें संभाल लेंगे। ये कह रही है तू? अरे सब लोगों को काय भेज रही है? क्या बोल रही है तू? पार्वती, रागिनी ठीक ही कहता है। जाओ जाओ अब सब जाओ, मेरा नातन सब सामान लेगा। जा जा। देखिए सब चले गए। अब आपको कोई कुछ भी नहीं करे। वो ना, वो हमारी दादी माँ है और वो हमारी नानी माँ, दोनों बहुत अच्छी है। आपको कभी कुछ नहीं करेंगे, तो आप डरिए मत। ये है ना, ये बहुत बुरी चीज है, इसके वजह से आपको चोट लगी ना, देखो। हाँ। इसे ना हम फेंक देते। आप डरिए मत, आपको प्यास लगी है ना, हम अभी आपके लिए पानी लाते हैं। सत्यानाश, इस बंगालन तिकड़ी ने तो हमारे घर को अशुद्ध करने का प्रण कर लिया। आराम से लाइए।
बस 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 और दो मिनट। बस बस हो ही गया, हो गया। हो गया। भूख 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 लगी है। भूख चलिए हम आपके लिए खाना ले आते हैं। बस यही बचा था, अब थोड़ी देर में चाय नाश्ता भी मांगेगा ये। अरे पार्वती, ऐसा करने से ना पुण्य मिलता है, पुण्य। थारे को बीच में बोलने की जरूरत ना है बंगालन। अरे यार, और लाडो, मैं ऐसे भूखे नंगे पागल को खाना ना दूंगी, समझ में आया? इसी वक्त बाहर निकाल, इसे निकाल मारे घर से बाहर, और वहां का एक गिलास फेंक दे बाहर। पता नहीं कौन सी गंदी नाली से उठ कर आया है। जा जा। दादी माँ, बचपन से आप ही ने तो हमें सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और आज आप खुद ही, और दादी माँ ये इस हालत में भी नहीं कि हम इन्हें कहीं जाने दे सके। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें ही फोन आया था। घर में कोई पागल घुस गया है, चलो चलो। रागिनी, एक्चुअली उम्र के साथ साथ ना तुम्हारा दादी का दिमाग भी छोटा हो जा रहा है। ए बंगालन, थारी को बीच में बोलने की जरूरत ना है। अरे मरवरन, तेरा वो खाटू शाम को धन्यवाद दे, मैं तो सिर्फ अभी तक बोल रही हूँ। वरना तू मेरा मेका साथ जा किया ना, तुझको तो हम फांसी से लटका देना चाहिए। ए बंगालन! चोर मत करो। प्लीज आप दोनों चिल्लाना बंद कीजिए, इन्हें डर लग रहा है। माँ आप उसे डरा रहे हैं। तू चुप रह, अब तू मारे को चुप करवाएगी। पहले अपनी माँ का मुंह बंद करो। कुछ नहीं होगा, देखिए आप डरिए मत, कुछ नहीं। छोड़ दीजिए, नहीं आपको कुछ नहीं करेंगे। संस्कार
संस्कार मुझे देखो ना, मारी को तो लग रहा है कि लक्ष्य को सौरा और रागड़ी में से किसी एक से प्यार हो गया है। अब जिससे भी हो मारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो जाए लक्ष्य के इस गलती के लिए भाई साहब उसे कभी माफ ना करेंगे। तो मुझे देख क्यों नहीं रहा? तुमने उसे पहचाना नहीं क्या भाई? भाई लक्ष्य को एक नया तमाशा कर रहा है। सुनिए थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। भाई मुझे देखो ना, लक्ष्य इस पागल को कैसे जानता है? देख के लगता है इसके रिश्तेदार है। तो मुझे देख क्यों नहीं रहा? ये लक्ष्य रो रो के किससे बात कर रहा है? हेलो जी, हमारे तो खुद कुछ समझ ना आ रहा है। ये लक्ष्य ना किसी पागल से रो रो के बात कर रहा है। क्या तुम इसे जानते हो बेटा? अंक, ये मेरा भाई है। संस्कार संस्कार संस्कार। पर ऐसी हालत में पूरा मैं तो मार दूंगा, मार दूंगा। ठीक है, मैं तेरे पास नहीं आ रहा, पर तू मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? मैं लकी, तेरा लकी। गंदी औरत है तू, तू गंदी औरत है, दूर जा। मारे को तो लगा था कि मौत से बदतर और कुछ ना हो मैं, पर ये तो मौत से लड़कर बाहर आया, वो भी इसी हालत में। इतने साल कैसे बिताए? सब गंदे लोग हैं यहाँ पे, गंदे लोग, गंदे लोग। जाके रोक इसे, ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकता। ये छोरी, तुम्हारी पोती को क्यों भेज रही है वहां के पास? है? कहीं वो कुछ कर देगा तो? दादी वो कुछ नहीं करेगा, इनफैक्ट इस वक्त सिर्फ रागिनी की बात सुन रहा है वो। हाँ रागिनी, तुम भाई को रोको ना प्लीज। आप कहाँ जा रहे हैं? सब गंदे लोग, ये सब गंदे लोग हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस घर में। पर आपको तो भूख लगी थी ना, आप बिना खाए ऐसे ही चले जाएंगे? खाना, हाँ हाँ खाना। भूख लगी है ना? हम अभी आपके लिए खाना लाते हैं। देखिए आप यहीं बैठिए,
हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। आपके बेटे की शादी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके बेटे ने उस बंगालन से शादी करके आप लोगों को हमेशा के लिए समाज से बाहर करवा दिया और हमारा बेटा हमारे पास हमारे घर वापस आ गया और आते ही उसने हमें खुशखबरी दी है कि उसे आपकी पोती से शादी नहीं करनी है। इसलिए हमारे और आपके बीच में अब कोई भी कैसा भी रिश्ता बचा नहीं रखते हैं। आप जैसे गिरे हुए लोगों से बात करके हमें अपना दिन नहीं बिगाड़ना। दुर्गा प्रसाद जी, आपका कहना है कि आपको हमारे परिवार से कोई रिश्ता ना रखना है, पर हमारे को तो लगता है कि आपके परिवार को हमारे घर से बड़ा ही प्रेम है। तभी तो इस वक्त आपके परिवार के तीन तीन सदस्य हमारे घर में बैठे हुए हैं। कौन? एक तो आपके बेटे जैसा लग रहा है लक्ष्य, और दूसरे आपके छोटे भाई की पत्नी। वैसे तो वाको इस घर में कदम न रखने देती मैं, पर इस वक्त इतना फूट फूट कर रो रही है कि तरस खाकर बिठाया हुआ है वाको। सुझाता, वो वहां क्या कर रही है? और तीसरा, दुर्गा प्रसाद जी, वाको मैं जानती तो ना हूं, पर वाके बारे में सुना बहुत। साफ साफ बताइए कौन है? कोई पागल है जिसे आपके परिवार ने 5 साल पहले मरा हुआ समझा था। वो जिंदा है दुर्गा प्रसाद जी। क्या? शायद संस्कार नाम है वाका।